नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। हाथरस की घटना को लेकर पूरे देश में रोष व्याप्त है। रास्ता जाम है, चक्का जाम कर दिया गया है। जगह जगह घटना के विरोध में प्रदर्शन किए जा रहे हैं। तमाम विरोधी दल हाथरस जा रहे हैं, यहाँ तक कि पत्रकार भी जाना चाहते हैं, लेकिन पत्रकारों को उनके घरों तक नहीं जाने दिया जा रहा। हम आपको ये भी एक रिपोर्ट बता दें कि तमाम मीडिया जो बड़ी हाउस है, वहाँ के बड़े बड़े पत्रकार वहाँ मौजूद है। DM, SDM, तमाम आला अधिकारी उनको उन परिजनों से मिलने नहीं दिया जा रहा, ताकि उनका भांडा ना फोड़ा जाए, ताकि योगी आदित्यनाथ। हम आपको ये भी बताते चले कि पूरे हाथरस को एक किला बना दिया गया है कि वहाँ परिंदा भी पर ना मार सके, योगी आदित्यनाथ सरकार की आज्ञा के बगैर। किसकी मजाल है जो उस किले में प्रवेश करके उन परिजनों से मिल सके, उसका हाल जान सके, और किस तरह की धमकियाँ, किस तरह की उन्हें परेशानी की जा रही है, ये भी कोई नहीं जान सकता है। हम आपको ये भी बताते चले कि ये जो घटना हुई रात के अंधेरे में, एक इनकलाब को दबाने के लिए, एक जनसैलाब को रोकने के लिए यूपी सरकार ने रातों रात परिवार के बगैर आज्ञा लिए हुए तमाम नियमों को उल्लंघन करते हुए जो अंतिम संस्कार की विधि होती है, उन्होंने उस लाश को जला दिया ताकि वहां पर किसी तरह का जनसैलाब न हो। हाथरस का विरोध करते हुए जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मशाल मार्च निकाला। आइए सुनते हैं लोगों ने रैलियां निकाली है और मनीषा जी को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम विपक्षी दल। आज जो जन अधिकार पप्पू यादव के आह्वान पर दरभंगा में मशाल जुलूस निकाला गया है, इसलिए कि मनीषा जी को इंसाफ मिले और यूपी सरकार प्रशासन के द्वारा जो प्रेस मीडिया या किसी राहुल गांधी को परवार किया नेहते पर, और एक जुल्म के खिलाफ जो राहुल गांधी काम करने जा रहे थे, उन पर जो धक्का धुक्की दिया, उनके गिरिवान पर हाथ दिया, ये हिंदुस्तान की जनता इससे बर्दाश्त नहीं करेगी। योगी सरकार को बर्खास्त किया जाए और उस लड़की के परिवार को सुरक्षित किया जाए, क्योंकि वहाँ के प्रशासन योगी के द्वारा, सरकार के द्वारा एक धमकाया जाता है। आप जिसकी बेटी का बलात्कार हुआ है, जिसकी बेटी का जवान कटा, जिसकी बेटी का रीढ़ का हड्डी तोड़ा गया, और उसको 2 बजे रात में, क्या वजह था, क्या कारण था कि 2 बजे रात में उसके परिवार को, उस बच्ची को नहीं मिलने दिया गया और उसको जला दिया गया, उसको अंतिम संस्कार किया गया? क्यों? क्योंकि उसको डर है, खौफ है, क्योंकि उस परिवार में जरूर कोई हाई फाई ग्रुप नेता का परिवार होगा, इसलिए उसको बचाने का ये होगी सरकार काम कर रही है। अच्छा, एक कहावत है कि भगत सिंह को फांसी देने के लिए, सुखदेव राजगिरी को देने के लिए अंग्रेजों ने रात के अंधेरे में इनकलाब को शांत कर दिया, तो क्या जनसैलाब को, मतलब जनसैलाब जो अगर न बढ़े, इसलिए प्रशासन ने नहीं, योगी सरकार ने बच्ची को रात को ही जला दिया? वैसे सही बात है, योगी सरकार अपने बचाव में और मुजरिम को बचाने के लिए रात के 2 बजे हिटलर शाही दिखा के उसको अंतिम संस्कार किया गया। यानी वो भी एक अंग्रेज की तरह ही काम किया जा रहा है, अंग्रेज की हुकूमत के तरह, और हिटलर शासन लागू करना चाहते हैं यूपी सरकार में। आपका नाम? और मेरा नाम हुआ सैयद खलीकुजमा, जिला नगर अध्यक्ष पप्पू सरदार। आप एक महिला है, पूरे भारत में अभी जो महिलाओं के साथ तमाम राज्यों में, सिर्फ कहे यूपी में नहीं लेकिन तमाम देशों में, जिस सरकार ने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही सरकार अन्य राज्यों में और अन्य राज्यों के साथ तुलना करती है, और जो जब से योगी सरकार आई है तब से वहाँ बेटियाँ सुरक्षित नहीं है, इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, वैसे ही भारत वर्ष में हमेशा से बोला गया है कि जहाँ पर नारियों का सम्मान होगा वहाँ देवी देवताओं का वास होता है। एक तरफ मोदी जी, योगी जी बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन अब बेटियां जब पढ़ने के लिए निकलती हैं उसके बावजूद उनके साथ ये अत्याचार हो रहा है, उनके साथ गैंगरेप हो रहा है, कहाँ है सुरक्षित बेटियां? मैं पूछती हूँ कहाँ है मोदी जी, कहाँ है योगी जी? हिंदू धर्म के अनुसार रात में कभी भी, हमारे धर्म के अनुसार रात में कभी भी दाह संस्कार नहीं होता। क्या कारण था जो उसको रात में उसका दाह संस्कार कर दिया गया उस लड़की के साथ? 14 दिन तक जब वो हॉस्पिटल में रही, क्या योगी जी के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में रेफर करके उसका इलाज कराए? जब एक दिन जब बच गया, जब देखे कि जब जनता आवाज उठा रही है तो वो भेजते और उसके कल हो कि वो लड़की वहां पर एक्सपायर कर जाती है। लेकिन यहाँ पे वहाँ का भी जो पुलिस प्रशासन है, उसने किसी भी मीडिया को जाने नहीं दिया, उसने कहा आपने DM से बात किया है, DM से पूछिए। तो क्या कहते हैं वहाँ पे, किस तरह की शासन चल रही है अभी वहाँ पर? आप
देख रहे हैं कि जब से ये सरकार आई ही है तब से तानाशाही की सरकार है, ये कुर्सीवादी सरकार है, अफसरवादी सरकार है। यहाँ पर क्या है कि जो अपराधी है वो बेखौफ घूमते हैं और जो प्रशासन है वो बेसुध है। उसको जान के भी, वो जब सबको जानते हुए भी वो कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वो क्योंकि उनके ऊपर ही से उनको ऐसा पावर मिला हुआ है कि वो बेखौफ होके अगर अपराधी अपराध कर रहे हैं तो उनको। अभी कुछ दिन पहले निर्भया वाला आप लोग ने देखा ही होगा, कितने दिनों तक उनके माता अभी तो 24 घंटे के अंदर और जी हाँ। तो क्या कीजिएगा, तहां महिलाएं या बेटियां सुरक्षित है इस सरकार में? मैं कहती हूँ जब वो तब सुरक्षित रहेंगी जब उनको, अब तो मुझको लगता है कि अब किसी महिला को भी ये पता लगता है कि उनकी कोख में बेटी है तो उनको अपनी कोख में ही बेटी को मार देना चाहिए, इस तरह का देखने से अच्छा है। और अगर उनको सुरक्षित रहना है तो अब तो लगता है महिलाओं को या बेटियों को अपने साथ हथियार लेके ही निकलना पड़ेगा, तभी वो सुरक्षित रह सकती है, इसके सिवा कोई दूसरा चारा भी नहीं। आपका नाम? मेरा नाम हुआ भारती सिंह, महिला प्रकरण। एक मशाल जुलूस निकाला गया है जो सरासर योगी सरकार के निकम्मे पाना और तानाशाही के खिलाफ निकाला गया है। जिस तरह से वह बेटियों पर, बहु बेटियों पर जुर्म हो रहा है, एक तरफ से हर रोज एक न एक प्रति घंटे लगभग गैंग रेप या मर्डर किया जा रहा है, इस सब पर कोई उनका ये नहीं है, बस धर्म और हिंदू मुस्लिम जात पात ब्राह्मण दलित यही करके पूरा समाज को एक तरफ से दिग्भ्रमित करते हैं। और दूसरी तरफ ये है कि ना उनके प्रीत परिवार से किसी को मिलने दिया जा रहा है। वीडियो डीएम एसडीओ जा करके उसके परिवार को धमकाता है कि तुम मीडिया में कुछ मत बोलो, मीडिया में बोलोगे तो ये कर देंगे। कोरोना वायरस से मर जाती तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी बेटी को 25 लाख मिलता क्या? अब बताइए किसी का जान 25 लाख के बराबर ही है क्या? यानी अब पैसे की राजनीति हो, अब पैसे की राजनीति हो। वही सोचिए, 25 लाख के बोलता है 25 लाख मिलती तुम्हारी बेटी को अगर कोरोना में मर जाती, तो अब सोचिए यहाँ कैसा मानसिकता है, सरा हुआ मानसिकता। जो बीजेपी जिस तरह से चुनाव में पैसा खर्च करती है, एक एक अरब रुपया वर्चुअल रैली में खर्च कर देती है, वही सोचती है हर चीज को मैं पैसा से खरीद लूंगा, जो कि सरासर नाइंसाफी है। और योगी सरकार जो पूरा हिटलर शाही कर रही है, तो सुन ले योगी सरकार कि जनता ने तुमको चुना है, ना कि तुम जनता को चुन के लाए हो। और जनता में पावर होता है कि कैसे कैसे की सरकार की राजनीति, तुम क्या हो। इसी के साथ मैं खत्म करता हूँ। आपका नाम? मेरा नाम कुणाल पांडे, छात्र संघ अध्यक्ष, मारवाड़ी महाविद्यालय, दरभंगा।